बड़ी खबर आपको दे दें, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में 11 नवंबर को फैसला आएगा। जहां कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, जहां वाजपेयी पर वाणिज्य कर टीम से मारपीट और बदसलूकी का आरोप है। 4 अक्टूबर 2011 को कानपुर के विठोर थाने में एफआईआर उन पर दर्ज हुई थी। सपा विधायक समेत 40 से 50 लोगों पर दर्ज हुआ था केस। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का एक मामला यहाँ पर जो है विचाराधीन था, आज जजमेंट की डेट लगी थी, लेकिन चूंकि कार्य अधिकता थी न्यायालय के पास और एक आवश्यक मीटिंग में भी जज साहब को जाना था, तो इसलिए जो है जजमेंट पूरा नहीं लिखवा पाए हैं, इसलिए आज की डेट जो है मुलतवी करके और 11 तारीख जजमेंट के लिए ही नियत कर दी है। बढ़ेंगे आगे, मैनपुरी और खतौली उपचुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। ओपी राजभर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा इन सीटों पर कर दी है। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभाषपा के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं खतौली से रमेश प्रजापति उनके प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इन दोनों ही सीटों पर ओपी राजभर ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा की ये सीट खाली हुई जिस पर उपचुनाव होना है। वहीं खतौली में मुजफ्फरनगर के खतौली में भाजपा के विधायक की सदस्यता गई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इन दोनों ही सीटों पर ओपी राजभर ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ के एक सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर, जहां लाइव मौत की तस्वीर आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस दर्दनाक हादसे में ड्यूटी पर जा रहे एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई और यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तेज स्पीड मैजिक मौत बनकर सामने आ गई। दरअसल ये शख्स अपनी कार बैक गियर में सड़क पर जैसे ही वो उतार रहा था, उसी दौरान बाइक सवार होमगार्ड जवान सड़क से गुजरा। कार से बचने की कोशिश में वो तेज रफ्तार मैजिक कार से भिड़ गया, लेकिन मैजिक चालक स्पीड बढ़ाकर मौके से फरार हो गया। आप देख सकते हैं बाइक सवार को कुचला और उसके बाद ये मैजिक गाड़ी रुकी नहीं बल्कि पर्राटा भरती हुई वहां से निकल गई। दर्दनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जहां ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में एक छोटी लापरवाही किस तरह से किसी की जान ले सकती है, ये आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति कार बैक कर रहा है, पीछे से आ रहा बाइक सवार उससे बचने की कोशिश करता है, ऐसे में सामने आ रही इस मैजिक गाड़ी से वो टकरा जाता है, मौके पर ही मौत हो गई। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही भाई के कातिल दो सगे भाई बन गए। बताया जा रहा है कि मृतक महेश सीआरपीएफ का जवान था, कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर घर आया था। इसी बीच अपने ही भाइयों से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। मामला थाने तक जा पहुंचा, पुलिस ने सुलह कराने के बाद दोनों पक्ष को घर भेज दिया, लेकिन इसके बाद महेश को लाठी डंडों से उसके ही दो सगे भाइयों ने पूरी तरह से पीटा। महेश के घर वालों का इल्जाम है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीआरपीएफ के जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सभी पहलुओं से पुलिस घटना की जांच कर रही है। थाना दोहरी घाट के गांव जमनीपुर का मामला है, जहां एक ही परिवार के तीन भाइयों के बीच में मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सगे भाई अखिलेश एवं हरेन के द्वारा लाठी डंडे से पीट करके महेश की मृत्यु कारित की गई है। चोटें लाठी डंडे की हैं। महेश सीआरपीएफ में कार्यरत थे, छुट्टी पे आए हुए थे। इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई के बाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।